सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्थिति में अगर हम देखा जाए तो चुनाव होते रहते हैं और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, लोकतंत्र का ये महापर्व है, यहाँ पर चुनाव होते रहने चाहिए। भाई, जनता के प्रतिनिधि नहीं बनेंगे तो विकास कौन करेगा, विकास की बातें कौन करेगा और देश प्रगति कैसे करेगा। इसे चुनाव होना बहुत जरूरी है और सरकार भी बननी जरूरी है और जनता जनार्दन का जनाधार मिलना भी जरूरी है। अभी हाल में चुनाव हुए और चुनाव के माध्यम से एक बात स्पष्ट की गई कि अगर जनता वोट नहीं करेगी तो फिर उस मतदान का फायदा क्या है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी निकाय चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है और जिस तरह से वोट का परसेंटेज सामने आया है कि राजधानी लखनऊ में मैच 35% वोट डला, ये बात मैं कर रहा हूँ राजधानी लखनऊ की। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की बात करें यानी वाराणसी की बात करें तो वहां पर महज 40% वोट डाला गया। प्रयागराज यानी आध्यात्मिक नगरी वोट परसेंट महज 33%। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां से मुख्यमंत्री आते हैं यानी गोरखपुर, उस गोरखपुर में जहां पर की एक अलग चर्चाएं हैं, वो गोरखपुर जो मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध है, वो गोरखपुर जो तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों का जन्मदाता है, उस गोरखपुर में वोट परसेंट केवल 36%, यानी कि 64% जनता ने वोट ही नहीं किया। कारण क्या है? क्या जनता का अब वोट करने का जो मन होता है वो खत्म हो चुका है, या कुंठा है, या व्यवस्था है, या वो जानते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, आप प्रतिनिधि बनाते रहिए और कमीशन खोरी के आधार पर जो ये लोग बनते हैं ये केवल अपना विकास करते हैं और पब्लिक का विकास बाद में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं स्पष्ट भी कर रहा हूं अपने डिबेट के माध्यम से कि ये जो खेल होता है कमीशन खोरी का, हर नगर पंचायत में, हर नगर निगम में सरेआम है और इसके आरोप भी लग चुके हैं। आरोप इतना बड़ा कि अभी हाल में ही सत्ता पे आसीन पार्टी के सांसद द्वारा ही एक नगर निगम के मेयर के ऊपर खुलेआम उंगली उठा दी गई थी। और जब वो उंगली उठा सकते हैं तो फिर हम जैसे खबरन बीस की जिम्मेदारी है कि इस बात को स्पष्ट भी करें। खैर, यहां पर हम वोट परसेंट की बात कर ले। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वोट परसेंट नहीं बढ़ने का एक कारण और भी है कि हमने देखा कि मतदाता सूची में लोगों के नाम नहीं। कई बार मैं गया हूं और मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और वहां पर मैंने पाया है कि कहीं 1000, कभी 1200, कहीं 1500, कहीं 1600 लोगों के नाम गायब, और लापरवाही की इंतहा इतनी ज्यादा कि एक ही परिवार में एक ही पिता के 43 पुत्र दिखा दिए। लापरवाही की इंतहा। कारण क्या है कि जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उन पर काम नहीं होता है। किसी की उम्र 975 साल दिखा दी जाती है तो किसी बुजुर्ग की उम्र 15 साल दिखा दी जाती है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इसके आंकड़े हैं। लापरवाही हुई है, सूची में नाम नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब निर्वाचन आयोग द्वारा 17 पहचान पत्रों को वरीयता दी गई है, मान्यता दी गई है, तो फिर सूची की जरूरत क्या है, कि पर्ची जरूरत क्या है, जब कहा गया है कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, पैन कार्ड, सरकारी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, बिजली का बिल, डाकघर की पासबुक, संपत्ति की डिटेल, बही खाता, किसान बही, शस्त्र लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड जैसे तमाम जो पहचान पत्र है उनके आधार पर आप वोट डालने जा सकते हैं। और इसके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वोटर अलग नहीं है, ये वही वोटर है जिसने अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव में भी वोट डाले थे। ये वही वोटर है जो आने वाले 24 के चुनाव यानी आम चुनाव में भी वोट डालेगा। पर निकाय चुनाव के बीच में यहां पर सूची से नाम गायब क्यों? कोई आरोप लगाता रहा कि व्यवस्थाएं हैं प्रशासन ने गायब कराए हैं, तो कोई कहता रहा कि ये लापरवाही निर्वाचन आयोग की है। पत्रावली में नाम गायब कैसे, सूचियों में नाम गायब कैसे, एक पिता के 45 पुत्र कैसे? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जनता को।
यहां पर मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं कि जब 36% मतदान के बाद आप किसी की सरकार बनाएंगे या आप किसी मेयर को चुनेंगे या आप किसी सभासद को चुनेंगे तो उसका प्रारूप क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा, क्योंकि 64% ने तो जनाधार ही नहीं दिया है। अब जनाधार नहीं दिया वो उनकी व्यवस्था है या मन की कुंठा है या फिर सरकारी व्यवस्थाओं में घालमेल, कमी, लापरवाही, इसकी जवाबदेही कौन है? जिनका मत नहीं पड़ पाया, जो अपने लोकतंत्र के महापर्व में मत के अधिकार से वंचित रह गए, उनके ऊपर जवाबदेही कौन तय करेगा? उनकी लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि केवल हम ये देखेंगे कि औसत 62% मतदान हो गया, हमारे लिए संतुष्टि मिल गई है, शांतिपूर्ण मतदान हो गया, कोई घटना नहीं हुई, हमें संतुष्टि मिल गई है। पर उन लोगों का है क्या जो लोग वोटर होने के बावजूद अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए? जो बोलते तो हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, मतदाता हैं, पर मत डालने की जब समय आता है तो वो अपने प्रयोग से वंचित रह जाते हैं, वो चुनी नहीं पाते हैं कि उनकी गली की सरकार कौन हो, वो चुनी नहीं पाते हैं उनकी नगर की सरकार कौन हो, वो चुनी नहीं पाते हैं कि उनका वार्ड का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्योंकि वो वोट नहीं डाल पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निकाय चुनाव में एक एक वोट अहम होता है, वही सब जानते हैं, सरकारी अमला भी जानता है, जनता भी जानती है, सत्ता प्रत्याशी पार्टियां भी जानती हैं और विपक्ष भी जानता है कि यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो 1, 2, 5, 10, 12 वोट से भी लोग जीतते हैं और हारते हैं। मेरा आज का मुद्दा उठाने का कोई अलग से विचार नहीं, ये हम जैसे खबरन बीसे की जिम्मेदारी है कि जब तंत्र में कोई कमी रह जाए या कोई लापरवाही हो तो उसकी जानकारी, उसकी जागरूकता भी फैलानी जरूरी है। और प्राइम टीवी लगातार ऐसे तमाम मुद्दों को, ऐसी तमाम समस्याओं को, ऐसे तमाम जन संबंधी जो एक तरह के कारण हैं उनको उठाता रहता है और उठाता भी रहेगा। खैर, यहां जो मैंने आपको चर्चा की वो चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्वाचन सूची से अगर नाम गायब रहेंगे तो लोग वोट डालने कैसे जाएंगे। और जब मैंने इस पूरे चुनाव का पहले चरण का कवरेज किया, जब मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग को उतरा तो मैंने लोगों के मन में हताशा देखी, निराशा देखी, वो भाव देखे जो देखते बन रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इतनी दूर से आए हैं, समय लेके आए हैं, सरकार की नीति थी, लोगों के नारे थे कि पहले मतदान बाल में जलपान, यानी हम सुबह सुबह चले आए हैं कि चलो वोट डाल के आए, और जब नाम नहीं आता है हम अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं निराशा सामने आती है। और जो लोग वोट डाल के आते हैं और जो उंगली पर निशान दिखाते हैं, सेल्फी खींचते हैं और बताते हैं कि मैंने अपना मत का अधिकार का प्रयोग कर लिया है, मैं मतदान करके आया हूं, तो कहीं ना उनके बीच में एक एक जो आशा होती है, उत्साह का भाव होता है, वो भी देखते ही बनता है। अमूनन निकाय चुनाव चुनाव है, महज चुनाव लोकतंत्र पर्व है, पर इस पर्व में जब सब लोग खुश रहेंगे तो तभी इस पर्व की जो भूमिका है वो हम समझ पाएंगे। चर्चा बड़ी विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो आज प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि जब इतना बड़ा तंत्र है, इतना बड़ा हमारा प्रदेश है, इतनी तैयारी है, अभी हाल में आपने देखा किस तरह से आरक्षण लागू हुआ था, उसके बाद मामला कोर्ट में गया, जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होने वाले थे वो चुनाव 5 महीने बाद 6 महीने बाद हो रहे हैं, और उतने समय के बावजूद इतनी गड़बड़ी, इतनी लापरवाही, इसकी जवाबदेही कौन देगा? सरकार कहना है कि हमने शांतिपूर्ण मतदान कराया उसके लिए साधुवाद, अच्छा मतदान हुआ साधुवाद, बड़ी घटना नहीं हुई साधुवाद, पर इसके लिए खेद कौन व्यक्त करेगा जो मौत नहीं दे पाए, जो अपने मत के अधिकार से वंचित रह गए, इसकी जवाबदेही कौन देगा? और यही आज की प्राइम डिबेट की चर्चा का महत्वपूर्ण विषय है और होना भी चाहिए। हम जैसे खबर अनबीस की जिम्मेदारी है कि जब भी कोई बात, अगर कोई कमी रह जाएगी, लापरवाही होगी, तो उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी पूछी जाएगी सत्ता से भी और विपक्ष से भी, क्योंकि विपक्ष को भी जनता ने अपना अधिकार, अपना मताधिकार दे के पहुँचाया है, और जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की भी कि केवल EVM की बात पर ना बोलते हुए इस पर भी जवाबदेही तय करें, उस पर भी बोलें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की भूमिका है कि वो लोगों को जागरूक करे। अगर लोगों के अंदर कुंठा है या लोगों के अंदर मन नहीं है वोट देने का, तो उसके प्रति भी जागरूकता जरूरी है कि लोगों ने वोट क्यों नहीं दिए।
यहाँ इस माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से यही कुछ चीज़ों पर देखा जाएगा कि आने वाले समय में कैसे क्या करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पर विचार करना भी बहुत ज़रूरी है। और इस चर्चा में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे और कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं। फिर हम इस चर्चा पर, एक स्वस्थ चर्चा होगी और चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब इस पर चर्चा करने का समय आ गया है। जब चुनाव एक हो रहे हैं, निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो ये वोटर आईडी वाला जो प्रकरण है, सूची वाला प्रकरण है, ये समाप्त क्यों नहीं होता है? वही वोटर विधानसभा चुनाव में वोट करके आता है, उसी वोटर को निकाय चुनाव में वोट से वंचित हो जाता है क्योंकि उसका नाम निर्वाचन पत्तावली या निर्वाचन सूची में नहीं था। और इसी बीच में एक चीज़ और स्पष्ट होती है कि अगर हम बातें तो कहेंगे, तो कहीं ना कहीं व्यथा यहां पर होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस पर चर्चा महत्वपूर्ण है और अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें सबके सामने हैं। महत्वपूर्ण चर्चा विषय प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा। और यहाँ पर प्रवक्ता के रूप में प्रवक्ता भाजपा से अश्विनी शाही अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से कपिल श्रीवास्तव भाई अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता रालोद से वेद प्रकाश मिश्रा अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से अमित गुरु अपनी बात रखेंगे और समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध समाज सेवी जेके सिन्हा अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी भाई, वोट पहला चरण हो गया, मतदान हो गया, परसेंटेज आपको पता है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ और इसके लिए सरकार प्रशंसा का पात्र है, साधुवाद, तारीफ। पर मतदान कम हुआ, उस पर भी चर्चा जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लापरवाही की जवाबदेही कौन देगा, जिम्मेदार कौन है? 6 महीने का समय मिला उसके बावजूद लापरवाही ऐसी कि यहाँ पर लोगों जो वापस लौट के गए, निराशा नजर आ रही थी, उस निराशा का, उस खेद का, उस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम या निर्वाचन आयोग या सूची बनाने वाले वो लोग जिन्होंने अपने काम को जिम्मेदारी से और पूरी गंभीरता से अंजाम नहीं दिया? अश्विनी भाई जी, चुनाव समाप्त हुआ, चुनाव जो है शांतिपूर्वक समाप्त हुआ, ये भी आपने बताया। और पूरे प्रदेश से कहीं कोई, बस लखीमपुर में सपा के लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी के बेटे के ऊपर हमला किया, उसको छोड़कर कोई बड़ी घटना नहीं घटी जी। इसमें चूंकि 25 करोड़ लोगों का देश है, प्रदेश है अपना, और पूरे प्रदेश में जो है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी चुनाव कराने की होती है। चुनाव आयोग ने अपनी पूरी व्यवस्था की जी, जिसमें चाहे वो सुरक्षा की बात हो, बीएलओ की बात हो, चाहे निर्वाचन अधिकारियों की बात हो जी, मतदान अभिकर्ताओं की बात, जहां जहां जो जिसको भेजना था, पूरी टीम की सब व्यवस्था सुचारू रूप से की गई जी। मगर ये भी सत्य है जी, ये जो आपने कुछ गड़बड़ियां बताई, ये गड़बड़ियां कई जगह पाई गई जी। अब इसकी टोटल जिम्मेदारी अगर काम करने पर है तो निर्वाचन आयोग काम करता है, तो निर्वाचन आयोग की ही है और इसमें जहां भी गड़बड़ी पाई गई। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इन सब गड़बड़ियों को दूर करने के लिए भी जी, अब आगे आने वाले दिनों के लिए एक जो आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने का काम किया है जी, वोटर आई कार्ड आपका जो है वो आधार से जुड़ जाएगा, तो समझ लीजिए कि कुछ दिनों के बाद जो ये परेशानी का सामना मतदाताओं को करना पड़ रहा है, वो परेशानी का सामना भी काफी हद तक कम हो जाएगा जी। बस एक समस्या क्या आती है कि लोकसभा चुनाव में अलग, विधानसभा चुनाव में वो, दूसरा नगर निगम चुनाव में अलग, ये मतदाता सूची जो बनती है जी, ये मतदाता सूची भी उस समय काफी हद तक एक अगर आधार से जुड़ जाएगा तो बहुत हद तक इस समस्या को दूर निजात करने में हम कामयाब होंगे। अच्छा, 2017 में चुनाव हुए थे, 53% वोट पड़ा था, इस बार 52% वोट पड़ा। वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ओवरऑल देखा जाए कुछ जिलों में अश्विनी भाई ज्यादा हुआ है। अश्विनी भाई, राजधानी लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में महज 34% जी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ जी, और मेरे पास लिस्ट भी है जी। देखिये, झांसी से शुरू करिए, 52% हुआ था, 47% हुआ जी 17, और इसकी तुलना फिरोजाबाद में 55-51 हुआ जी, मुरादाबाद में 41 हुआ था, 43 हुआ जी, वहां बढ़ा, सहारनपुर में 63 हुआ, 56 हुआ इस बार, प्रयागराज में
17 में 30 हुआ था, इस बार जो है 32-33 हुआ है जी। लखनऊ में 38 हुआ था, 36 हुआ है जी। गोरखपुर में 35 हुआ था पहले, इस बार 36 से ऊपर हुआ, 36.5 हुआ है जी। तो कहीं बढ़ा है कहीं घटा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1% कम मतदान हुआ है जी। जागरूक किया गया मतदाताओं को, भाई सब लोग मतदान हुआ है, शांतिपूर्ण हुआ है। पर यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो जनाधार है ये अधूरा है। जनाधार अधूरा नहीं इसको कहेंगे, इसको कहेंगे कि मतदाताओं का जो है जो जोश है, रुझान है, वो शायद छुट्टी के लिए हो गया। अच्छा, वो जा नहीं पाए जी। और जो गए उसमें कुछ जगहों पर गड़बड़ियां पाई गई, ये भी सत्य जी, है जी। तो 1-2% इससे भी वोट परसेंटेज कम हुआ है जी। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ जगहों पर ये शिकायतें आई हैं जी। तो ये अगर हम इस 37 जिलों में कर रहे हैं तो 37 जिलों में 1-2-3 जिलों में आई है गड़बड़ियां। ये 103 हम नगर पंचायतों की बात करेंगे, 10 मेयर का चुनाव हुआ है इसमें, तो बहुत बड़ा चुनाव था प्रथम चरण में, 37 जिलों का चुनाव था, समय मिला था अश्विनी भाई, चीजें की जा सकती थी जी। 6 महीने का समय मिला था आपको। खैर ठीक है, कपीस श्रीवास्तव, कपीस भाई चीजें आपके सामने भी हैं, कोई छुपी बात नहीं है। कैसे देखते चुनाव को और चुनाव के बाद जो स्थिति रही है, क्योंकि यहाँ पर पहचान पत्र की बातें भी बहुत होती हैं, पत्रावलों में सूची में नाम गायब रहे, लोग वंचित रहे, जागरूकता भी कम रही, लोग कम निकले, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र महापर्व में जो मतदान हुआ है, हुआ तो है शांतिपूर्ण हुआ है, पर कहीं ना कहीं लोगों को उत्साह यहाँ पर कम दिखा है। क्या लोगों में निराश है या कुंठा से भरे हैं या वो चाहते ही नहीं है कि हम मतदान करने जाएं जी। कमीज भाई, बेसिकली महापौर के उसमें देख लो, नगर निकाय की जगह नगर निगम पे आ जी, तो वहां पे लोगों के अंदर बहुत भारी मात्रा में उदासीनता देख ली जी। ये जो मत प्रतिशत आपका उठ रहा है जी, ये नगर निकाय से उठ रहा है जी, बिल्कुल नगर पंचायत से उठ रहा है, बिल्कुल उठ रहा है जी। तो ये वहां से उठा है जी, काफी इको हो रही, उसको सही कराए पीसीआर से, पहले सही था जी 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 जी। तो मैं गौरव की देखिए, नगर निगम के अंदर लोगों के अंदर निरस्ता इसलिए आई है जी, कि जब कोई सरकार इस बात का वादा करती है, और डबल इंजन की सरकार है और वो दो बार से आ रही है जी, कि हम आपके शहर को फला फला चीजों से निजात दिला दे जी, और आपको हम स्मार्ट सिटी बना के दे देंगे जी, आपके वहां मेट्रो ट्रेन चलेगी जी। और जब इस बार आए तो इन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन भले ना चली हो जी, अब हम आपको एक नया सपना रोपवे बेच रहे हैं जी, उसको आप खरीद लीजिए। अच्छा, कोई खरीदने के लिए तैयार? ये तो नगर निकाय में जो हमारे ग्राम के लोग हैं, जो गांव से सटे हुए, जो अब वार्डों में जुड़े हैं लोग, वहां से मत प्रतिशत सही हुआ है। अच्छा, शहर में भारी मतदान होना चाहिए, वहां एकदम मतदान नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और आपको बता दें, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री और गोरक्षनाथ पीठ के मठाधीश्वर जी, उन्होंने स्वयं इस बात को आज कहा है और पेपरों में छपा है कि शहर वालों ने हमारा साथ नहीं दिया जी। और मैं दूसरी चीज आपको कह दूं जी, आधार से जोड़ने के बात तो बात की है, उसको आप जोड़ते रहिए जी। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोकसभा के अंदर जो मतदाता है जी, वो नीचे आकर के गायब कैसे हो जाए? सूची एक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब आप सारे कानून के लिए कहते हैं कि पूरे देश में एक जैसा कानून होना चाहिए, एक जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जी, तो ये फिर एक जैसी ये व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? जिसका लोकसभा में नाम है उसका पता चला विधानसभा में नहीं, जिसका विधानसभा में नाम है उसका पता चला नगर निकाय में नहीं जी। तो ये तो प्रश्न बहुत ही मूल है, और ये इसमें जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता है जी। विशेष करके चुनाव आयोग और शासन दोनों, शासन प्रशासन और चुनाव आयोग, चुनाव आयोग क्या अलग से कोई बॉडी थोड़ी ना है? बिल्कुल सही बात। जब चुनाव घोषित होता है तो यही जिला अधिकारी निर्वाचन अधिकारी हो जाते हैं, बिल्कुल इन्हीं के बनाए हुए पीठ चलती है, बिल्कुल इनको पावर अतिरिक्त मिल जाते हैं। लेकिन मैं एक बात को कह रहा हूं गौरव भाई जी, कि शहर के अंदर जो मतदाता इनके बीएलओ ने बनाए जी, वो
बकायदा निर्वाचन अधिकारी ने उनपे दर्ज ही नहीं की। अच्छा, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मैं अपने मोहल्ले में जिन लोगों का नाम मैंने दिलाया था उनमें भी लोगों का नाम नहीं आया। बहुत से लोगों ने फॉर्म 6 अलग से भरा था, पैसा लगा करके उन्होंने वहां पे चालान भी भरा, सब कुछ किया, उनका भी नाम नहीं आया। जी जी। और एक चीज और आपको कह दे जी, कि जो एक एक विशेष धर्म विशेष के लोग जहां पर रहते हैं जिन इलाकों में जी, उन इलाकों में 70% लोगों का मतदाता जो है 70% लोगों का नाम गायब। अच्छा, ये आमूल चूल रूप से चीजें हैं और जिसके बारे में हमने शिकायत, ये तो आपने सरकार पे एलिगेशन लगा दिया। नहीं, सरकार क्यों, हम तो कह रहे हैं कि जब 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 निर्वाचन आयोग के तहत ये चीजें बनती हैं तो निर्वाचन आयोग को कभी सरकार से हट करके भी कर लेना चाहिए। जी। और जिस तरीके से ये सारी चीजें सामने आई है उसी का नतीजा है कि लोग डिमोरलाइज है। अच्छा, जिनके नाम नहीं है वो बेचारे लाइन लगाए हुए जी, और जिनके वो नाम कह रहे हैं, बताइए हम तो जलपान छोड़ के आए हैं मतदान करने और यहाँ पर हमारा नाम ही नहीं है जी, पिछली बार हमने अपना किया था और हमारे घर में जो लोग अब जिंदा नहीं उनका नाम चल रहा है, जो जिंदा है वो गायब हो गए, बिल्कुल चल रहा है। ये तमाम इस तरह की कंप्लेंट है जी, और हम समझते हैं हमारे अश्विनी साई जी भी इससे रूबरू। अच्छा, कोई अलग और दिगर बात मैं नहीं कह रहा जी, बिल्कुल। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जितने वोट नहीं बने वो सब समाजवादी पार्टी के वोट थे जी, लेकिन वो इस प्रदेश के वोट थे, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं, कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं, बिल्कुल सब सही बात है। जो जनता थी ये कहते हैं कि जी, लोकतंत्र का मतलब ये होता है जी कि सब जितने बालिग लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, जो पिछले 5 साल पहले लिस्ट थी जी, जो इस बार लिस्ट बढ़ी जी, उसमें लोग घट कैसे गए? सही बात, जहां बढ़ना चाहिए तो वहां आप घट रहे जी, ये बहुत बहुत सोचिए तो ये किस स्तर पे बीएलओ काम कर रहा, किस तरीके का निरीक्षण चल रहा, किस तरीके से प्रशासन उसको वैल्यू देख रहा है, उसकी क्या मूल्यांकन कर रहा। सही बात, जरूरी है, जब आबादी बढ़ रही है जी, जो हमारा बच्चा 16 साल का था वो 21-22 साल का हो जा रहा है जी, जो हमारा बच्चा 14 साल का था वो 18-19 साल का हो जा रहा है, बिल्कुल, तो उसके नाम बढ़ेंगे कि घटेंगे? और मान लीजिए जो मृत्यु का प्रतिशत है वो मगर मूल रूप से 70 साल हमारे यहाँ मान लिया जाए जी, तो 1.5% के लोगों की मृत्यु होती है जी, बिल्कुल, और आबादी जो बढ़ती है इसमें वो कम से कम 2-5% के रूप में बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कम से कम सरकार को भी देखना चाहिए, निर्वाचन आयोग को भी, क्योंकि लोकतंत्र बिना लोगों के कैसे मजबूत, बिल्कुल संभव नहीं। हम ये नहीं कहते कि वो सब समाजवादी पार्टी को चुनेंगे, जी जी। वो कांग्रेस को चुनेंगे, वो भाजपा को भी तो चुनेंगे, बिल्कुल, और भाजपा को चुन रहे हैं तब तो आप आ रहे हैं, बिल्कुल। हम तो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र में मत बढ़ाइए, ठीक, किसका मत कहां गिरेगा किसका नहीं गिरेगा इसको मत कीजिए। अब तो आप पासमांदा समाज और पलाने समाज को भी कहते हैं कि सब 3 तलाक वाला लेकर भी सब हमारा है, तो 70% लोग गायब कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। मैं कपीस भाई, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पाया है वहां पर किसी वर्ग विशेष के निवास सभी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे। वो किसी वर्ग विशेष से नहीं थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी लोग थे। और लापरवाही की जो इंतहा है, जो लापरवाही हुई है, जो समस्याएं हुई हैं, उसको सबने भुगता है, किसी वर्ग विशेष नहीं बल्कि जनता ने, जनता में सब आते हैं और सभी लोग। गौरव भाई, जी जी, जी। गौरव भाई, बस 30 सेकंड हम चाहते हैं। बोल लीजिए। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, जो पार्टियां हैं वो पार्टियां तो बूथ स्तर पे होती है ना जी, जी बिल्कुल, गली मोहल्ले चौराहे पे होती जी, बिल्कुल। हम सारा निरीक्षण हम लोग करते हैं इन सब बातों, बिल्कुल। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब शासन की मंशा जैसी होती है वैसा प्रशासन और अन्य चीजें देखते हुए कहीं आप नीरसता बरस देंगे अगर मतदाता बनाने में जी, तो उतना ही काफी है। अच्छा, ठीक है, कुछ जगहों पे आप नीरसता बरस दीजिए, ठीक है, जवाब देंगे बाद में, ठीक है। परपट्टा कांग्रेस, अमर गुरु, अमर भाई, चुनाव हो गया पहले चरण का जी, और निश्चित रूप से मतदान अच्छा हुआ, मतदान कम हुआ, परसेंटेज कम हुआ, ये जरूर समय मंथन की जरूरत है और जो लापरवाही उस पर भी विचार करना जरूरी है, जैसे आने वाले समय में लापरवाही ना हो, क्योंकि चुनाव और वोटर सब एक ही है, लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव जी। क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा स्पष्ट और साफ गोई के साथ मैं आपको बता दूं जी,
जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया है जी, मैं उसको जिस नजर से देखता हूं, मैं वो बात आप सामने रख रहा हूं। बोल लीजिए। पूरी चुनाव की प्रक्रिया एक तरह से लुका छिपी का खेल हो गया है। अच्छा, इसको समझने की जरूरत है। और लुका छिपी के इस खेल में जी, जहां चुनाव आयोग तो इन्वॉल्व है ही, सत्ता पक्ष सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। अच्छा, और उसके बाद अगर कोई इन्वॉल्व है तो चुनाव लड़ने वाले दल और उनके लोग। अच्छा, ये जो परसेंटेज कम हुआ है इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा जी। उस स्थिति में जब लगभग प्रदेश के हर नगर पंचायत नगर पालिका में परिसीमन के तहत नए नए क्षेत्र नए नए ग्राम सभाएं भी जोड़ी गई है, नए नए मतदाताओं को वोट करने का मौका मिला है जी, इन परिस्थितियों में जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा है वह एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के लिए बड़ा ही अशुभ संकेत है। बिल्कुल। आज जिस तरह से प्रयागराज में आपने वोटिंग देखी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठते हैं जी, गोरखपुर से उनका सरोकार है जी, इन दोनों जगहों पे जो वोटिंग का परसेंटेज रहा वो कितना गंदा रहा आपने देखा। बिल्कुल देखा है। सबसे बड़ा सवाल है ये हो क्यों रहा है जी, ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों की दिलचस्पी घट क्यों रही है, लोग पोलिंग बूथ तक वोट डालने के लिए रुचि क्यों नहीं पैदा किए जी। सवाल इस बात का है, अरबों रुपए करोड़ों कई सैकड़ों करोड़ रुपए जागरूकता के मद में चुनाव आयोग के द्वारा खर्चा किया जाता है जी। इन परिस्थितियों में आपको पॉइंट टू पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा कि वो कारण कौन से है जिनकी वजह से जो वोटिंग का परसेंटेज है वो इतना गिर गया। अच्छा। अगर 40% 42% लोग चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करेंगे जी, तो आप स्वस्थ लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। आधी आधी पूरी आधी आबादी तो कट गई जिसने अपना मत दिया ही नहीं जी। सवाल इस बात का है कि देखिए सबसे बड़ी शिकायत आई है मतदाता सूची से नाम गायब होने की जी, इसके पीछे सीधे सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। लीजिए, ये खेल है, ये लुका छिपी का जो अच्छा, मैं खेल बता रहा हूँ आपको। अच्छा, उसमें सत्ता पक्ष इस तरह से इन्वॉल्व है। अच्छा, और उसको सह निर्वाचन आयोग कैसे दे रहा जवाब, सबकी नहीं बरतेंगे। लोकसभा के वोटर लिस्ट में लोगों का नाम रहता है और विधानसभा के वोटर लिस्ट से गायब हो जाता है जी। विधानसभा में रहता है और नगर पंचायत नगर पालिका और नगर निगमों से नाम गायब हो जाता है। अच्छा, मैं अपने दल के एक नेता ललन कुमार जी हमारे यहाँ मीडिया संयोजक है जी, उनका नाम बीकेटी के एक बूथ से उनका नाम गायब हो गया। अच्छा, वो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। बोलिए। अभी अभी कुछ ही दिनों पहले चुनाव लड़के आए हैं और उनका नाम गायब। सवाल ये कि क्यों हो रहा है। दूसरी चीज, मतदाता सूची में बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा। अच्छा, लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और फेक नाम उसमें डाले जा रहे हैं। लीजिए, उसमें भी सत्ता पक्ष इन्वॉल्व है। अच्छा, तीसरी चीज, आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले के बाद अभी जो जिला पंचायतों के चुनाव हुए हैं जी, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए हैं जी, इन त्रिस्तरीय चुनाव में आपने देखा किस तरह की गुंडागर्दी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने की। अच्छा, ठीक। लोग अपना नॉमिनेशन तक नहीं कर पाए थे, चुनाव आयोग मुक्त तक बना रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष का लोग पर्चा तक दाखिल नहीं कर पाए थे। जिला पंचायत सदस्य के लिए आवेदन करने तो वाले क्या मान ले कांग्रेस का अगला सत्याग्रह चुनाव आयोग के खिलाफ रहेगा। ब्लॉक प्रमुखों के, एक मिनट आप स्थिति पे गौर करिए, हम तो गौर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ हम क्यों जाएं जी। ब्लॉक प्रमुखों के नामांकन में आपने देखा लोगों को खींच खींच के गाड़ियों में बैठा लिया गया, अपहरण कर लिया गया जी। इससे जो जनता के, अभी अभी आपने अमर भाई कहा कि चुनाव आयोग की चुप्पी है, तो किसके खिलाफ जाएंगे आप भाई। वो मैं अपना स्टैंड उस पे रखूंगा, मैं अपनी बात पूरी कर लू। बोलिए। लोगों की रुचि ये सब गुंडागर्दी देख के धीरे धीरे खत्म हो रही है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं। जल्दी बोलिए। हाँ। चुनाव आयोग का जो दोहरा मापदंड है जी, आप पिछले लोकसभा 2019 के लोकसभा में देखे हैं और 2024 में आने वाले समय में देखेंगे जी। सत्ता पक्ष के एक भी नेता के खिलाफ चाहे हेट स्पीच की बात हो, चाहे गलत बयानी की बात हो, चाहे किसी तरह के चुनाव को प्रभावित करने की बात हो। अच्छा। सत्ता पक्ष के एक भी नेता के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं किया। अच्छा, और आगे आप बढ़िए। अच्छा, आजकल मतगणना, विक्रम सैनी का नाम याद है आपको, मतगणना होगा। अमर भाई, हाल का अमर भाई अभी हाल का प्रकरण बता रहा हूँ आपको। विक्रम सैनी का नाम पता है आपको जी? विक्रम सैनी की सदस्यता क्यों गई विधानसभा चुनाव की?
विधानसभा विधायक थे वो, उनको जी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको सजा हुई, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया, वहां पर दोबारा चुनाव हुए और सपा रालोद के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया ने वहां पर जीत हासिल की। खतौली की बात पर कर रहा हूं, ठीक है जी। तो यहां पर किसी व्यवस्था पर उंगली उठाने से पहले एक बात जरूरी है कि अगर आप सत्याग्रह कर रहे हैं, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका यहाँ पर संदिग्ध या खराब है या लापरवाही है, तो उसके लिए भी आंदोलन होना चाहिए अमित भाई, केवल डिबेट के माध्यम से कहने से। एक मिनट, आप एक अनिल सैनी का नाम लेके इतने बड़े षड्यंत्र को नकारा नहीं जा सकता विवेक भाई जी, आप मेरी बात को समझिए जी। इक्के दुक्के उदाहरण पेश कर देने से जी, जो सत्ता पक्ष का जो जो रुख है और चुनाव आयोग का, हम तो कहते जब सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलों में संज्ञान ले सकता है तो क्या त्रिस्तरीय चुनाव में जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में चुनाव आयोग को पता नहीं था किस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी हो रही है जी। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, चौथी बात जी, लोगों का भरोसा कम हुआ है अच्छा चुनाव आयोग के ऊपर अच्छा। वो आज ये भी समझते हैं कि मैं वोट डाल के आऊंगा, वोट डालने के बाद मतगणना में फर्जीवाड़ा होगा अच्छा। फर्जीवाड़ा के तरीके से सत्ता पक्ष के लोग अपने अपने कैंडिडेटों का जिताने का प्रयास करेंगे अच्छा। हिमाचल में हुआ था क्या क्लियर चुनाव आयोग? अमित भाई हिमाचल में हुआ था क्या? मैं सरकार बना के आया है। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा फिर आप काउंटर करिएगा, जवाब दूंगा जी। ये चुनाव आयोग का फेलियर है जी। एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जी, आजकल एक चीज मैंने देखा है, कपीस भाई हमारे साथी हैं, गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं जी, पैनल में और भी लोग हैं जी, एक बड़ी अजीबोगरीब चीज मैंने देखी जी, राजनीति में परिवारवाद का जो लालच है, जो तरीका है, वो किस तरह से बढ़ रहा है। बीजेपी के अंदर घोर परिवारवाद, परिवारवाद का नसीहत, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अमित भाई जल्दी बोलिए, और लोग भी हैं। अमित भाई जल्दी बोलिए, समय कम है मेरे पास। अभी आप स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रहे, आप कौन है, कैसे बोल रहे? ये अश्विनी शाही बोल रहे, प्रवक्ता भाजपा भाई। वो तो बोलेंगे, दूसरा क्या करेंगे अच्छा। जयराम ठाकुर को नहीं देखते हैं? अरे भाई जब आप 2% वोट नहीं है उत्तर प्रदेश में, आप इतना लंबा भाषण दे रहे हैं तो चले हो गया सरकार, चले हो गया, चले हो गया, ठीक है नीचे चले जाओगे, चलो ठीक है हो गया। अमित भाई हो गया, अमित भाई हो गया, ठीक है हो गया हो गया हो गया। एक मिनट भैया, समय कम है, समय कम है, बात करने जा रहा था, बोल दीजिए। लोग अपना अपना नाम कटा के दिलचस्पी इतनी बड़ी है कि उनको मेयर का चुनाव, अगर अमित गुरु को मेयर का चुनाव लड़ना है जी, और अगर ये गोरखपुर विधानसभा के वोटर हैं और इनको आगरा से अगर मेयर का चुनाव लड़ रहा है तो वो तुरंत आगरा पहुंच जाते हैं अच्छा। और मतदाता चलिए अपना नाम, चलिए ठीक, बहुत कमियां है, पांच बातें अमित भाई ने बताई है और मैं उम्मीद करूंगा कि अगला सत्याग्रह इन्हीं पांच बातों के लिए होगा, ठीक है ठीक है। प्रवक्ता रालो, ठीक है अमित भाई, होगा लोग करेंगे, चलिए मैं तो देखूंगा और मैं सत्ता का कवर भी करूंगा, ठीक है। विप्रकाश मिश्रा भाई, ये लोगों का सत्याग्रह ये कि 8% इतना घट गया। गौरव जी आप रालो के प्रवक्ता से बुलवाइएगा, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्षमा के साथ एक निवेदन है, षड्यंत्र को समझिए। देखिए पहले मुझको बुलवाया आपने, कपीस भाई को बुलवाया पहले, फिर रालोद को बुलवाना चाहिए। कांग्रेस के पास तो 1.5% वोट है प्रदेश में, इनको इतना टाइम देने की जरूरत क्या है ये बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रवक्ता आपके सामने चीजें हैं, आपने पूरा मुद्दा पता है, अमित भाई हो गया, अमित भाई हो गया, अमित भाई कैसे देखते हैं पूरी व्यवस्थाओं को जी? देखिए गौरव भाई जी, ये सबके लिए चिंता का विषय है, बोलिए। जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, कोई भी, कि वोट ऑफ परसेंटेज घट रहा है जी, और लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है जी। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं जी, अगर ग्राम प्रधान का चुनाव होता है जी, तो यही वोटा परसेंटेज जो है वो 84-85% बिल्कुल तक जाता है, सब में देखा है। सहेजी भी मेरी बात से शायद सहमत होंगे, बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्योंकि वहां पर जो नेता हैं जी वो भी वोटरों के पीछे लगे रहते हैं अच्छा, और वोटरों का भी रुझान उन नेताओं के प्रति रहता है, ठीक है। तो हम क्या यह मान लें कि लोगों का नाम न होने की वजह से जी मतदाता का मन वोटों की तरफ से हटा है जी, और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, इसके लिए जिम्मेदार तो चुनाव आयोग है जी। जब 6 महीने पहले से मतदाता सूची का प्रदर्शन हो रहा है, बनाई जा रही है जी, संशोधन हो रहा है,
तो क्या उसके जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी रेंडम जांच करके ये नहीं देखा मोहल्लों में जा करके कि किसका वोट बना है और किसका वोट नहीं बना है? क्या ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी? बिल्कुल बनती है। देखिए, सरकार पर आरोप लगाना न लगाना ये अलग का विषय है जी, लेकिन इसके लिए तो मूल रूप से जो हमारे नौकर साहब हैं वो जिम्मेदार हैं। क्या सरकार का बैठा हुआ कोई माननीय मंत्री जी जाकर के कोई रेंडम जांच तो नहीं करेंगे? वो यहां पर बैठ करके उसका मूल्यांकन कर सकते हैं जी। तो इसके लिए तो जिला प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेदार है कि उन्होंने उसकी रेंडम जांच नहीं की और बिना जांच किए ही उन्होंने मतदाता सूची का प्रदर्शन करके और उसे अंतिम रूप दे दिया। जो मतदाता सूची आकर के चुनाव वाले दिन अधिकारियों को दे दी गई और उसी के माध्यम से वोट डाले गए। अच्छा। पता चला कि उसमें वोटर का नाम ही नहीं है। मिर्जापुर गांव जिसमें 340 लोग पिछली बार वोटर थे उसमें 32 लोगों का नाम है, बाकी सारे नाम हट गए। तो जैसा कि अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता साथी लोग कह चुके कि आखिर लोकसभा की लिस्ट में नाम है, विधानसभा की लिस्ट में नाम है, तो स्थानीय निकाय चुनाव की लिस्ट से नाम कहां चले गए? ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर नहीं है, ये चिंता और चिंतन का विषय है कि इसके ऊपर सरकार प्रभारी नीति रीति बनाए और इसकी जिम्मेदारी तय करे कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे, वो चाहे जिलाधिकारी हो चाहे निचली स्तर के कोई अधिकारी हो। आखिर ये तो बात बड़ी होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी कि आखिर ये 32%, 34%, 36% मतदान कैसे हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जगे भाई जी, अपनी बात जल्दी स्पष्ट करिए, फिर प्रवक्ता सभा। देखिए, ऐसा है कि जो लोकसभा निकाय चुनाव जो हुए परसेंटेज कम हुआ जनता का, इसके कई कारण हैं। एक तो ये कारण भी है कि जो पहले पार्षद रहे हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया ठीक से। अच्छा। उसका भी कुछ लोगों को रोष रहा है जी। दूसरी चीज, ये एक बड़ी त्रुटि है कि जो सूची में नाम गायब है, मेरा खुद का नाम नहीं आया। लीजिए, खुद का नाम नहीं आया जी। हर बार मैंने वोट डाला है, इस बार नाम नहीं डाल पाया। और दूसरी चीज जो अभी आपने पहले क्वेश्चन उठाया था कि हम आई कार्ड दिखाएं, चुनाव प्रदान दिखाएं, आधार कार्ड दिखाएं, 17 विकल्प है, उसमें एक भी, सबको पता है, मुझे नहीं पता, सबको पता है, सुनाई नहीं मेरी जी। कहने भी आप नहीं जा सकते, आप जाइए जी। ठीक, अब हम बवाल तो कर नहीं सकते थे, झगड़ा कर नहीं सकते, चुपचाप वापस आ गए क्योंकि शांतिपूर्ण मतदान होना, उसके हम कर भी कह सकते हैं। तो एक तो ये जिम्मेदारी बनती है सरकार और चुनाव आयोग की कि इस टाइप की चीजों को क्यों नहीं लागू होता, जब है तो क्यों नहीं सुनते वो लोग जी। भाई आप वोट डालने जा रहे हैं, हमने आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड लिया, पहचान पत्र भी मेरा है, तो आप डालने दीजिए, कोई सुविधा होनी चाहिए, खट्टे डाल दीजिए, खत्म बात हो गई। दूसरी चीज, अभी भाजपा प्रवक्ता अश्विनी जी कहे थे, जो उन्होंने बोला कि पिछले बार 1% वोट बढ़ा, 2% वोट बढ़ा, तो हमें लगता है वो संतुष्ट है कि एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि चुनाव जो घटा है ठीक से मतदान नहीं हो पाया, ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती। तो मैं अश्विनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन इस पे सरकार और चुनाव आयोग दोनों की जिम्मेदारी बनती है। और सभी प्रवक्ताओं ने ये बात कही कि जब विधानसभा लोकसभा की लिस्ट होती है तो निकाय चुनाव की अलग क्यों हो जाती है? बिल्कुल। अभी अश्विनी ने कहा कि लिस्ट बन रही है, आधार से लिंक किया जाएगा, वो ठीक है, वो होता रहेगा। अभी आपने भी कहा बहुत समय था, हो सकता था, तो ये भी वजह है, ये भी वजह है कि सबको जब एक ही लिस्ट को आगे क्यों नहीं करते हैं जी। भाई विधानसभा सब वोटर तो वही है ना। ठीक है जी भाई, ठीक है। अश्विनी भाई सबका जवाब दे रहा है जी। प्रवक्ता सपा कपीस भाई ने भी आपसे कहा कि 70% वर्ग के यहाँ पर नाम काट दिए गए और ये यहाँ पर घालमेल हुआ है। अमित गुरु ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकारी व्यवस्थाओं यानी सरकार के अधीन काम कर रहा है और ये सरकार है वो पूरी तरह से इसको अपने तरफ से चला रही है, कोई फायदा नहीं है जी। गौरव जी, देखिए कपीस भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है जी और वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो इनके नेताओं की जो नीति रहेगी उस पर जरूर बोलेंगे, चाहे कोई भी विषय हो। अच्छा। तो नेताओं की नीति एम और वाई की रही है तो एम और वाई पर ही बोलेंगे। अच्छा, ये वाई पे बोलेंगे। अच्छा। उससे आगे तो मतलब जनहित की चीजें हो जाती हैं, उस पर कम बोलेंगे। अच्छा, कम बोलेंगे। अच्छा। लेकिन दूसरी बात मैं ये जब कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमको प्रशासन और चुनाव आयोग के ऊपर डालना भी बेमानी है, क्योंकि ये मतदाता पुनरीक्षण का काम जो 6 महीने जो चलता है जी, ये इसका प्रकाशन होता है, बार बार अखबारों में निकलता है कि सारे दलों के लोग जी जाकर देख सकते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है हमारे लिए है और आपके लिए है। बिल्कुल। एक स्नातक एमएलसी का चुनाव होता है जी, उसमें जो प्रत्याशी होता है वो फॉर्म भरवाता है और अपने वोटर को बढ़ाता है, अपने लोगों को ज्यादा ज्यादा उसमें शामिल करता है जी, और उसका लाभ मिलता है उसको जी।
आज अगर कम से कम आप बढ़वा नहीं सकते हैं जी, तो इतना तो देख सकते हैं कि हर गली मोहल्ले के लोगों का नाम है उसमें लीजिए, लेकिन लोग नहीं देखते हैं। अच्छा। लोग नहीं जाते हैं और सीधा सा ठीकरा एक फोड़ना प्रशासन पर, सरकार पर, चुनाव आयोग पर, ये आसान काम है जी, और वही जनता करती रहती है। ठीक। मैं ये देख रहा हूं कि लोकसभा में 8% बढ़ रहा है जी, विधानसभा में 8% बढ़ रहा है, ग्राम समाज में बढ़ रहा है, तो आखिर नगर निगम के चुनाव में क्यों जी? तो ये कहीं ना कहीं सरकारी अफसरों के साथ नेताओं की भी उदासीनता है, पार्टियों की भी उदासीनता है, जिसकी वजह से आज हम लोगों को इस चर्चा पर बैठना पड़ा। गौरव जी बिल्कुल बिल्कुल। कपीस भाई, भाई आप लोग एमबीआई की बात करते हैं केवल, जनता की बात नहीं करते हैं। सीरा एलिगेशन है आपके। चक्कर ये है जी, चक्कर ये है जी, ये हमारे अश्वनी साई भाई का विजन ही उतरा है। अच्छा, विजन ही उतरा। ये पासमांदा का करें सम्मेलन, ये सारी चीजें करें, वो ठीक कर, तलाक करें, वो तुष्टिकरण नहीं है जी। ये 80-20 की बात करें, वो तुष्टिकरण नहीं। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं जी, हम ही कर जी। एम वाई समीकरण हमारा है, हमारा, हम कहां इनकार कर रहे हैं जी। हमने एक बार कहा हो, अरे एम वाई का मतलब माई, और माई माने सब ही मेरे लीजिए, तो हम तो किसी को बाइफरकेट नहीं करते ना। हम कभी कहते हैं कि नहीं, हम टोपी नहीं पहनेंगे, हम लुंगी नहीं पहनेंगे, हम शाल नहीं लेंगे जी, हम गले नहीं मिलेंगे, ये तो हम नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग तो सभी से मिलते हैं। अब ये तो सुधार आपको करना, धीरे धीरे आप कर रहे हैं, आपको बधाई। कम से कम आपने 300 कुछ 395 के अंदर आपने दिए हैं, 395 के लोगों को, आपको बहुत बहुत बधाई जी। अब कम से कम इस बात को मानते हुए आगे बढ़िए। अच्छा, आप ये तो, अब आपने ये तो नहीं कहेंगे कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है? नहीं, मैं एक बात कहूंगा जी कि मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है ये, बस ये दिखना हुआ चाहती है। अच्छा। कि ये जो है कि मुस्लिमों को जोड़ रही। अच्छा। हकीकत यही है कि इनका अभी नजरिया वही है। अच्छा। जो पुराना था वो गया, खत्म नहीं हुआ इनका। अच्छा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जिस तरीके की गौरव भाई जी ये बात हुई जी, है ना, कि 70 वाली जो मैंने आपसे बात कहा जी, अरे भैया कारखाने में टूटी की आवाज सुनता कौन लीजिए। अगर कोई आदमी कारखाने में टूटी की आवाज सुन रहा हो, अगर हम लोगों ने लिखित कंप्लेंट की है, चिट्ठी है हमारी पास, आपको जारी कर देंगे जी, लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम कर क्या सकते हैं? भाई क्यों नहीं मानते भाई आप? प्रशासन हमारा साथ, तो आपकी, आप जो है हर जिले के डीएम जो है जी, कपिल भाई तत्पर और तैयार बैठे थे। अच्छा, अब कैसे शिकायत दिया आप? एक वकील आदमी हो, कैसे शिकायत किया आप? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, ना जाने कितने वकीलों ने जाकर के नाम नहीं था, उन्होंने चालान भर करके नाम डाला जी, और उसके बाद भी उनका नाम नहीं आया। कहिए तो मुलाकात करवा देंगे आपकी। श्री भाई, आप इस बात को, ये तो उनके, आपका नाम अगर लिस्ट में नहीं था तो जिला निर्वाचन अधिकारी के उसमें था जी, उनके वेबसाइट पर, वहां से डाउनलोड कर लेते जी। ये भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं है जी, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की गलती है कि उन्होंने प्रशासन का मन इतना बढ़ा दिया है कि अब उनको किसी नेता नेती से मतलब नहीं रह गया। अच्छा, आप काम नहीं करा सकते हैं, चाहे जी भले आप सत्ता में है, मैं आपको लिखित दे सकता हूँ, निरंकुश हो गए लोग, नहीं सुनेगी। नहीं, ये तो कपीर भाई जी, जवाहरलाल त्रिपाठी को मैंने जूता का फीता बांधते हुए देखा है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, वो काम हम नहीं करा सकते हैं, ये तो हमको पता है। उसको आप कंठस्थ कर लीजिए, आपको एक छोटा काम दे दूंगा, आप नहीं करा पाएंगे लीजिए, ये मैं जान रहा हूँ। अच्छा, प्रशासन के आगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी पस्त है। अच्छा, और ये एक एक लोगों की कहानी है, मैं कह नहीं सकता हूँ नाम लेकर लीजिए, क्योंकि हमारे आपके बीच में तमाम लोग बैठते जी, लेकिन ये दिक्कत है, इसको दूर करना चाहिए। और आप लोगों को चाहिए कि आप योगी जी से बात करें, इस मसले पे बात करें जी। जब आप अपने ही विधायक के सामने कह देंगे जिलाधिकारी से, क्यों भाई ये तुम्हें हमारा विधायक परेशान तो नहीं करता है लीजिए, तो आप सोचिए उस विधायक की क्या स्थिति होगी। मैं गोरखपुर के अंदर की बात कह रहा हूं लीजिए, असली भाई ये दिक्कत है जब नेता सर ही विश्वास अब देखिए यही हाल होता है। अब देखिए, हाँ, और वो वाली बात नहीं बताया कपीर भाई जी, जहां पर जो है विधायकों की बात न मानने पर, फोन न उठाने पर जिलाधिकारियों को दंडित भी किया गया जी, कपीर भाई उसको भी तो बताइए, बैलेंस बराबर करके हम लोग चलते हैं जी। ठीक है, नाजायज हम लोग नहीं करते हैं कि आपका जिलाध्यक्ष ये कहता था कि ये काम होना ही चाहिए और करके नहीं दिखाएंगे तो शाम तक आप ट्रांसफर हो जाएगा,
अच्छा, ये समाजवादी पार्टी में होता था। अच्छा सपा सरकार में होता था। कपीस भाई क्या कहेंगे भैया, अश्विनी भाई बोल रहा है सीधा सीधा। भाई टीम 11 आप बनाते हैं, टीम 9 आप बनाते हैं। लीजिए ये तो हम तो काम लेते हैं ना उनसे। और आपके देखिए कोरोना में कितना शानदार काम किया उन्होंने, अभी भी एकदम बेहतर काम कर रहे हैं। जो है विधानसभा में धरना देते हैं, ये हमारे विधायक नहीं दिए थे, आपके विधायक दिए थे। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये पार्टी के अंदर आप क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अश्विनी भाई, मैं तो ये वहाँ कौन बैठेगा कपीस भाई। अश्विनी भाई ठीक है आप मत सुधार, हम अपनी बात। कपीस भाई, कपीस भाई अश्विनी भाई बोल रहा है कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। भाई कैसी लिमिटेड कंपनी अश्विनी भाई? भाई देखिए ऐसा है, ये हाइपरबोल यही बोल सकते हैं। अच्छा क्योंकि किसी विपक्षी दल को कह देंगे कि आप तुरंत समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई 2% मत पाया है तो ये अपना 2 कुर्सी भूल जाते हैं, जब स्कूटर पे बैठ के आते थे 55 साल। ठीक है उस समय भी लोग इनको हतोत्साहित नहीं करते। जी, 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 जी। उस समय अटल जी को बकायदा यूएनओ भेजा जाता था भारत का प्रतिनिधि बनाकर, और आज आप हास्यास्पद बातें कहते हैं कि आप पहले रालोद से बुलवा लीजिए क्योंकि कांग्रेस के यहाँ कम हो गए। अरे वो नेशनल पार्टी है, कितना भी हो तो वो नेशनल है और लोकतंत्र पे भरोसा और पार्टियों पे भी भरोसा कीजिए। ये पाकिस्तान की पार्टियां नहीं, लग रहा समझौता होने जा रहा है, दो लड़कों की जोड़ी फिर बनेगी। अच्छा नहीं, हम तो आपके साथ भी समझौता कर लेंगे अगर देश में विनाश लीला छोड़ दें, लेकिन वो आप छोड़ नहीं पाएंगे। कराई करेंगे भाई तो वो हमारा आपके साथ नहीं होता। आप विनाश लीला छोड़ दीजिए, समझौता करने तैयार है बताइए। नहीं नहीं समझौता नहीं, हम तो सपा का विलय करा लेंगे अगर आए, स्वागत है इनका। अच्छा ये तो विपक्ष क्या रहेगा फिर, समझौता नहीं करेंगे। अच्छा निषाद पार्टी से समझौता करेंगे और सपा से विलय। अच्छा ठीक है ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस अमित भाई आपने सब सुना और श्री भाई की बातें भी सुनी। भाई 2% आपके वोट है और आप इतना लंबा भाषण दे रहे थे। जी अमर भाई की आवाज बढ़ाई जाए। 2% टूट आ गया तो अडानी को जिस तरह से अडानी को देश का पूरा खजाना लुटा रहे, बोलना बंद कर दे हम 2% टूट है तो। अच्छा सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है जी, आज आप देखिए जी बारी बारी जिन 2% वोट की बात ये कर रहे हैं, बारी बारी इनके एक एक राज्य अब खिसकने की बारी शुरू हो गई है। अच्छा जंतर मंतर में अंतरराष्ट्रीय पहलवान ओलंपियन बैठे हुए, इन लोगों को शर्म नहीं आती है 2% और 2 विधायक और इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस देश की जनता के साथ न्याय तो ये जो बजरंग बली को बेइज्जत कर रहे हैं आप लोग, बजरंग बली बेइज्जत हो रहा, मूर्ख है आप। बजरंग बली को किसी ने बेइज्जत किया है? देखिए शब्दों की मर्यादा थोड़ी सी रहनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा रहे तो ज्यादा बेहतर है। अमर भाई वरना वरना सिवाय लागना हम लोग भी जानते हैं। लोगों को एक मिनट जी, देश के लोगों नहीं नहीं एक मिनट की बात नहीं है। शब्दों की मर्यादा अगर नहीं रखेंगे तो हम भी सीमाएं लांघते हैं और उस वो वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप सोचे भी नहीं होंगे। बात बजरंग सजायाफ्ता मुजरिम के पार्टी के आप यहां पर प्रवक्ता हैं जी, बजरंग मैं प्रवक्ता हूं जी। आप नहीं तो सजायाफ्ता, वही तो कह रहा हूँ सजायाफ्ता मुजरिम के पार्टी के, राहुल गांधी सजायाफ्ता मुजरिम है ना, 2 साल की सजा हुई है उस दल के प्रवक्ता है। और जो शब्दों की मर्यादा अपने बेशर्म जो ऊपर के राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनसे मत सीखिए, यहाँ बड़ा सम्मानित और कायदे का हो रहा है, आपसे तेज आवाज में बोला जा सकता है, आपसे ज्यादा मर्यादाएं लांघी जा सकती हैं। और ज्यादा मर्यादाएं अगर तोड़ने की बात करेंगे तो किसी दिन हम लोग किसी गौरव भाई के स्टूडियो में बैठकर बहस कर लेंगे। अश्विनी जी शायद आप जिगरा होगा तो मुकाबला कर लीजिएगा। आपने बजरंग बली का नाम किस लिए लिया जी? बजरंग बली को गाली दे रहे हैं आप लोग और क्या, बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं जी। PSI यानी कि आतंकवादियों के सहयोगी हैं आप लोग, आतंकवादियों के बांग्ला हाउस पर सोनिया गांधी रोती है। आप बजरंग दल की बात करिए जी, हम बजरंगी की बात करेंगे। जिसने बजरंग दल की स्थापना की उनका नाम ही बजरंगी पड़ा है, और बजरंग दल की स्थापना क्यों हुई थी ये आपको नहीं समझ में आएगा। बजरंग दल की स्थापना राम जानकी रथ के रक्षा के लिए हुई थी, नारायण दत्त तिवारी जी ने उसको सुरक्षा देने से मना कर दिया था। बजरंग दल तो बजरंग दल की स्थापना हुई थी। टीवी पे बैठ गए आप,
और वही बजरंग बली, बजरंग बली में फर्क नहीं मालूम, पर्वत जो संजीवनी बूटी वाला पूरा पर्वत जो उखाड़े थे वैसे ही आपकी मंसूबे को उखाड़ कर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। आप लोग अन्याय भाई कर्नाटक में रिकॉर्ड टूटे जा रहा है, हर बार आप लोग राम और धर्म और राजनीति करेंगे भाई। आप सीधा अमर भाई सुन लीजिए, सीधा नहीं करते अमर भाई, अमर भाई अश्री शाही बोल रहा है कर्नाटक में 38 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है और आप यहाँ पर बीजेपी को बजाने जी जैसे लगता है कि हम बजरंग बली के पुजारी ही नहीं है। अच्छा आपके पास ठेका है बजरंग बली का लीजिए। अरे भाई आप लोगों ने राम सेतु को नकारा, राम को नकारा, राम मंदिर का विरोध किया, साधु संतों के को पिटवाया आप लोगों ने, इंदिरा जी ने साधु संतों को पिटवाया, क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने, बजरंग दल आरएसएस पर जो है बैन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने बैन खोला, तो आप लोग तो विरोधी यही है। ठीक है ठीक है, हो गया जवानों पर हो गया हो गया, प्रवक्ता रालोर बोलेंगे, समय समय हो गया, प्रवक्ता रालोर बताएगी, चलो ठीक है धर्म और मजहब की बात को राजनीति में आप लोग लाते हैं बार बार। मैं बोल सकता हूँ गौरव जी, बोलिए जल्दी बोलिए गौरव जी, आप बोलिए पूरी बात बोल लीजिए फिर मैं आपका जवाब दूं। समझाइए सतपाल मलिक के पीछे न छिपे, सतपाल मलिक जी सरकार से हटने के बाद, महामहिम से हटने के बाद उनका बयान आया है। सतपाल मलिक जी के अंदर अगर थोड़ी सी भी गैरत होती तो इस्तीफा देकर उसी समय वो बात कहते थे। तो ऐसे बेगैरत लोगों की बात का जवाब नहीं देना है, उनके आड़ में कांग्रेस ही छिप सकती है और कोई दल नहीं। ठीक है ठीक है, अरे बेगैरत तो वो लोग है जो रोते रोते भी सत्ता चला रहे हैं। अच्छा। रो रो के सत्ता चला रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी को देखिए, बेगैरत किसके अंदर है वो देखिए आप। और वो महामहिम रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, ठीक है, वो सवालों को आप नकार नहीं सकते मान्यवर, ठीक है ठीक है, नहीं नकार पाएंगे आप, ठीक है ठीक है। और आपको नहीं समझ में आ रहा, देश की जनता को समझ में आ रहा है, जवाब मिलेगा 24 में आपको, ठीक है ठीक है, मिल गया भारत जोड़ो यात्रा का, मिली भाई बेर भाई जी। देखिए गौरव भाई, भारत जोड़ो से ज्यादा तकलीफ हुई आप लोगों को ना जी, हां सचिन भाई तकलीफ हुई क्या भारत जोड़ो यात्रा से आपको? बहुत तकलीफ हुई है अभिव्यक्ति। अच्छा, बहुत तकलीफ हुई है। आप अभी आप देखिए अडानी के मुद्दे पे पीछे भाग गए। अच्छा, सत्यपाल मलिक के सवालों का जवाब देने में पीछे भाग गए। देश की बेटियां जंतर मंतर पे रोज धरना दे रही है 14 दिन से, पीछे भाग गए। रोजगार जितने इन्होंने 2014 में वादे किए थे किसी पे खड़े नहीं उतरे। प्रियंका गांधी जी संदीप सिंह को लेकर वहां गई थी सांत्वना देने, वो संदीप सिंह खुद ही यौन उत्पीड़न का आरोपी है जी, पता है देवताओं को लेकर राजनीति में आप ही राहुल गांधी ने सुकन्या का आरोप लगा था, क्या कर लिया था, फांसी लगा लिया था, कोर्ट में गए वहां से उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ठीक है ठीक है, सबको सब पता है। ठीक है, वेदप्रकाश मिश्रा बात करिए कमेंट आके। देखिए जी गौरव जी जी, मूल बात यह है कि वोट प्रतिशत कम क्यों हुआ जी, और इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या लोगों की जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए जी, बात मूल यह है। बिल्कुल, आज का जो प्रश्न है बिल्कुल यही है। तो इस प्रश्न पर मेरा यह कहना है जी कि जो वोट आप परसेंटेज कम हुआ है जी, इसकी जिम्मेदारी तय हो, इसकी समीक्षा हो जी, और आगे से इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो जी, और जो नाम लोगों के अचानक लिस्टों से गायब हो जा रहे हैं इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है ये सरकार सुनिश्चित करे, और हमारे जो अधिकारी लोग हैं बैठ करके इस पर चर्चा करें जी, और हम सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर हम चिंतन करें, बैठ करके चर्चा करें जी, और अगर इसके ऊपर अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है, सरकार काम करने को तैयार नहीं है, तो आंदोलन चला करके हम सरकार को और नौकरशाही को विवश करें कि आप इसमें लोगों का नाम जोड़िए, वोट आप परसेंटेज बढ़ाइए, नहीं तो हम सड़क से लगा करके सदन तक इसका आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, ये मेरा कहना। ठीक है, जय सिन्हा। हाँ अश्विनी से मेरा सवाल है कि अभी आपने बातें की, इधर उधर की बातें भी हो गई बीच में, चलिए कोई बात नहीं, बात थी कि मतदान प्रतिशत कम होने की, तो आप ही बताइए कि मतदान प्रतिशत ज्यादा बढ़े इसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी राय क्या है? जी नहीं, देखिए मतदान प्रतिशत ज्यादा बढ़े, कितना जागरूकता अभियान चलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, मतदाताओं को जागरूक किया जाता है जी, जी। उसका परिणाम यह हुआ कि लोकसभा और विधानसभा में मतदान प्रतिशत बढ़ा जी, लेकिन नगर निगम के चुनाव में अगर कम हो रहा है
तो इसमें भी जागरूकता सरकार बढ़ाने का काम कर रही है, अपने जगह काम कर रही है, मगर एक चीज सभी दलों के नेताओं को भी बिल्कुल ठीक। एक बार बताइए कि आप इस बात को क्या मानते हैं कि जिन जगह पे पार्षद रहे हैं वो अपने क्षेत्र कभी निकले ही नहीं? बहुत सारे ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप ही पार्टी के होंगे या अन्य पार्टी के भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपकी पार्टी को नहीं कह रहा हूं, तो बहुत सारे लोग पार्षद बाहर ही नहीं आए। अब जो चुनाव आ रहा था वो बाहर आ रहे हैं और उनको टिकट भी मिला है और टिकट का बंटवारा गलत तरीके से हुआ, ये सबको इसका क्या फर्क पड़ेगा? ये जो जो आप कह रहे हैं कि निकला कौन नहीं आया, ये चीज से इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये अगर जिसको चुनाव लड़ना है वो मतदाता सूची पर नजर रखता है, बिल्कुल, वो पार्टी मतदाता सूची पर नजर रखती है और हमेशा पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम होता है, अखबारों में बाकायदा उसमें खबरें छपती हैं और लोग जाते हैं चुनाव अधिकारी बीएलओ के पास, वहां पर एक एक नाम को निरीक्षण करते, पुनर्निरीक्षण नाम ही है उसका, बिल्कुल। अगर उसमें भी उदासीनता है तो ये इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। मैं खुले मन से कहता हूं कि राजनीति के लिए आगे आने वाले दिनों के लिए ये उचित नहीं है। सरकारें आती जाती रहेंगी मगर सबकी एक जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, ना कि किसी के ऊपर डालने से काम होगा। ठीक है, एक 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 प्रश्न हमारा ये था कि जैसे मान लीजिए जिन लोगों ने मतदाता पुनरीक्षण करने के दौरान बाकायदा फार्म भर के दिए और बाकायदा फीस जमा की, उसके बाद भी लोगों का नाम न जुड़ने की शिकायतें लगातार आ रही हैं, तो इस पर सरकार को संज्ञान लेकर के और इसका भी समीक्षा करनी चाहिए। इस पर ऐसी शिकायतें बहुत कम आई हैं, इस पर ऐसी शिकायतें बहुत कम आई हैं। डीएम लखनऊ ने भी उस दिन कहा था कि हमारे उस पर जाइए, पोर्टल पर जाइए, आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, वहां से डाउनलोड करिए और जाइए, पर्ची मिल जाएगी आपको। ऐसा नहीं, ऐसी बहुत शिकायतें बहुत कम आई। ठीक है, ठीक है। कपीश भाई, निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर चर्चा थी, कम मतदान को लेकर चर्चा थी, अधूरे जनाधार को लेकर चर्चा थी, बेहतरी को लेकर चर्चा थी, व्यवस्थाओं को लेकर। जवाबदेही यहाँ पर किसकी होनी चाहिए, जवाबदेही यहाँ पर किसकी है और किसकी जिम्मेदारी है कि लोग अपने व्यवस्थाओं से बाधित रह गए? क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था ये भी है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम इन व्यवस्थाओं पर काम नहीं करेंगे, अगर हम सूचियों के सहारे बैठे रहेंगे, अगर हम 17 विकल्पों के साथ काम नहीं करेंगे, अगर हम लोकसभा विधानसभा और नगर निकाय चुनाव की सूची होती है इसको अलग अलग बनाते रहेंगे और लोग उससे अचंभित रहते रहेंगे, विवश रहेंगे अपने लोकतंत्र में चुनाव देने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के साथ, व्यवस्थाओं के साथ, जनता के साथ और भारतीय लोकतंत्र की गरिमा के साथ एक बड़ी जवाबदेही, जिम्मेदारी की व्यवस्था को कम करने वाली बात है। अगर यहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेंगे, जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी और अधूरा जनाधार भी मिलता रहेगा। 36% जनाधार जनाधार की श्रेणी में नहीं आता है, 64% जनाधार भी श्रेणी में तब आएगा जब वहाँ पर आप सभी जिलों पर एक रूपता के हिसाब से आप जनाधार को मानेंगे। औसत जनाधार 62% है, वो अलग बात है। निकाय में, नगर पंचायतों में वोट परसेंट बढ़ रहा है, वो अलग बात है, पर निगमों में वोट परसेंटेज क्यों कम हो रहा है, इस पर जवाबदेही जरूरी है, मंथन जरूरी है और चुनाव आयोग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा व्यवस्थाएँ खराब होगी और ऐसा ही अधूरा जनाधार लोगों को मिलता रहेगा। सरकार की व्यवस्था भी जरूरी है, शांतिपूर्ण मतदान भी जरूरी है, तो कहीं ना कहीं सूची में व्यवस्थाओं को बेहतर करना भी जरूरी है, तभी हम स्वच्छ लोकतंत्र की और स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।